जय श्री श्याम गाइस, कैसे हैं आप लोग। सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी सब सो रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि गौरी को जो है हॉस्पिटल लेके जाना जल्दी से। मैंने किचन वगैरह भी सब साफ़ कर लिया है, झाड़ू भी लग चुका है, पोछा और नहाना मेरा रह गया। नहा धो के पूजा वूजा करके फटाफट से, और उतने में फिर मैं उनको उठाऊँगी, ये भी रेडी हो जाएंगे और मैं निकलती हूँ गाइस। तो गाइस मैं फटाफट से रेडी हो चुकी हूँ, बस निकलना बाकी रह गया। गाइस हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। देखो गुड्डू को मैं कैसे ढक के लेके आई थी, देखो ये देखो मैं चला रहे हैं। और हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ हॉस्पिटल का रास्ता। गाइस ये जस्ट एंट्री किया है, अभी हम पार्किंग का ढूंढेंगे कि पार्किंग यहाँ पे कहाँ है। ठंड गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है, गुड्डू को बहुत ज़्यादा कवर करके लेके आई थी। ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, कोहरे आप देख सकते हो, कोहरे कितने हैं। नहीं सीरियसली, मतलब लगता नहीं कि सरकारी है ना। अच्छा और सरकारी है ना सर। गाइस मैं हॉस्पिटल आई, मुझे बहुत सारे अपने फैन मिले, मुझे बहुत खुशी हो रही है फैनों को देख के। सब किस सब मुझे कह रहे हैं अब तो वही ना जो वीडियो बनाते हैं, अब तो वही ना जो वीडियो बनाते हो। सब मुझे मिले, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे अपने फैन से मिल के, सब्सक्राइबर से मिल के। ये देखो इसका अभी हमारे यहाँ नंबर नहीं आया है, आधे घंटे आए नंबर आने में। गाइस हमारा काम नहीं हुआ इस हॉस्पिटल में और हम जा रहे हैं एम्स के लिए। देखो और ठंड इतनी ज़्यादा है, मैं तो बाहर आते ही एकदम वो हो गई, कितनी तेज ठंड है, कितनी तेज ठंड हो रही है। गाइस बाहर जो ठंड, हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, हमें जो है एम्स के लिए रेफर कर दिया गया, तो हम यहाँ से अभी एम्स निकल रहे हैं। कल डी सी हमारी गाड़ी उस साइड है भाई। गाइस ये देखो अभी से ये हाल है, एस ये देख रहे हो गाइस, कुछ देख ही नहीं रहा भाई, मैं बाइक कैसे चलाऊंगा। गाइस कोहरा देखो कितना ज्यादा हो रहा है, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। वो गुड्डो जा रही है आगे और सोनी जी जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कोहरा निकल गया, जब हम अंदर गए थे तो इतना कोहरा नहीं था, पर बाहर जब आए तो बहुत ही ज्यादा कोहरा है। गाड़ी लेने के लिए जा रहे थे। गाइस मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है और पहना के भी बहुत अच्छे से लेके आई हूँ। हम जा रहे हैं एम्स के लिए रास्ते में। गाइस कोहरा बहुत ज्यादा है, अब तो धूप आ रही है बट ना फिर भी कोहरा है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा कोहरा है। गाइस हम एम्स हॉस्पिटल के मैं फाइनली पहुंच चुके हैं।
बाय 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 वो भी बाय कर लेते फिर तभी लकी कर रहे ऐसा कर दे देखो गाइस दे दे रे मामा दे पी ले पीना चल चल पी पीना लेंगे पी ए लकी आ ला दे मामा ए उधर कर ला ला रे दे दे उधर उसको भूख लगी बिटिया रो रे फिर के छीनना आ गया उसने ले लिया अब ये छीनने पे आ गया वो ये लोग का भी 3-4 घंटा हो ही गया दूध नहीं पिया अब चंपू पानी सुनने गाइस कल जो ये हम गए थे द्वारका वाले हॉस्पिटल में क्या नाम था समझे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जो गए थे उसमें खैर हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है वैसे छोटे मोटे इलाज के लिए हॉस्पिटल बहुत अच्छा है आप जाना चाहो तो वैसे कह रहे से जा सकते हो पर बस ये है कि हमारा काम जो है उसमें नहीं हो पाया डॉक्टर ने देख लिया चेक कर लिया और बता दिया कि वो हर्निया ही है पर उसके बाद उन्होंने हमें रेफर करने के लिए पूछा था कि आप कौन से हॉस्पिटल में रेफर होना मतलब करना चाहोगे कलावती में या एम्स में फिर मुझे एम्स सही लगा क्योंकि एम्स में मैं पहले भी जा चुकी हूँ तो इसलिए मैंने एम्स के लिए बोल दिया तो उन्होंने एम्स के लिए रेफर कर दिया पर मैं एम्स में उसी दिन गई थी बट उस दिन जो है मेरे को वहाँ पहुंचते समथिंग 11 बज चुका था और 11 बजे जो है पर्ची भरना बंद हो जाता है और जब पर्ची भरना बंद हो जाता है खैर लंबी छोटी लाइनों में होते हुए गई उसके बाद मुझे पता लग रहा है कि भाई वहाँ पे जो है आज वो डॉक्टर की पर्ची मिली नहीं रहा वहाँ पे उस दिन जो है जिन बच्चों को वो मिर्गी वगैरह आता है उनके डॉक्टर वगैरह थे उनकी पर्ची बन रही थी तो उस दिन हमारा काम नहीं हो पाया बहुत थक हार के हम दोनों हॉस्पिटल गए और सुबह से शाम तक हम घर पे 4 बजे वापस लौटते हैं और क्योंकि उस दिन कोई काम नहीं हमारा हो पाया उसके बाद हम नेक्स्ट डे जब गए हैं तो वो खैर आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा पता लगेगा कि वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है कहाँ एम्स में तो गए थे तो एम्स का तो बता रही हूँ एम्स में जाके काम कहाँ हुआ था तो काम वो तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ मिलेगी क्योंकि वहाँ पे जो है और वीडियोस भी है कि कब हमारा पर्चा बन रहा है कब क्या है तो बाकी वो वीडियो में पूरा आपको दिख जाएगा फिलहाल इस वीडियो में यही है कि हमें ये कंफर्म हो गया कि गुड्डो को जो हर्निया है अगर आपने आप लोगों ने कभी फेस किया है हर्निया वो भी वजाइनल हर्निया गुड्डो को जो है जैसे जो वजाइनल है वहां जब वो बहुत तेज रोती है ना जब उसको जैसे ठंड लग रही हो या वो रो रही हो बहुत तेज तो उसके जो है एक साइड जैसे ये वजाइनल की लाइनिंग है तो इस साइड जो है रोने से ये इतना मोटा सूज जाता है और ये दूसरी साइड जो है वो नॉर्मल रहता है तो ऐसा हो रहा है उसके इतने वजह से ये वजाइनल का पार्ट है और ये इस साइड का राइट हैंड साइड पे जो है उसके बहुत मोटा सा हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड जो है बिल्कुल फ्लैट रहता है तो ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ है अगर किसी का हुआ है कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज मुझे भी शेयर करना बिकॉज मुझे पता लगे कि आप लोगों ने क्या किया और क्या नहीं अभी तो फिलहाल उसका सिजेरियन बता रहे हैं कि सिजेरियन होगा एम्स में तो उसका डेट वगैरह लेना है टेस्ट वगैरह अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के लिए बोल रखा है वो आपको सेकंड वीडियो में जो है इस चैनल पे नहीं तो आपको दूसरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा आप सबको पता ही मेरे 2 चैनल है रो अंबिका पर्सनल ब्लॉग और अंबिका ट्रिपलेट्स बेबी ब्लॉग इन दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब करके रख लिया करो कोई भी वीडियो आपको किसी भी मिल सकती है तो गाइस मुझे बताना मत भूलना अगर आप सबको पता है इस चीज के बारे में तो और मुझसे शेयर भी करना बस ये है कि ये चीज हमें जो है गाइस हमें ये चीज गुड्डो को
शुरू से ही था, जब वो बर्थ हुई थी बर्थ टाइम से ही है, बट ये था कि उस टाइम पे हमें ये लगता था कि ये जो है कमजोरी की वजह से होगा, क्योंकि उस टाइम गुड्डो जो है बहुत ज्यादा वीक थी, तो उसने हमने इतना ध्यान नहीं दिया इस पर। बट धीरे 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 जब वो चीज हमें कुछ ज्यादा ओवर लगने लगी, तब जाके हमने कहा नहीं ये दिक्कत है। तो उसको जब हमने दिखाया तो जाके हमें पता लगा कि ये हर्निया है। अब देखो इसको हम आगे कैसे फिक्स करते, आगे क्या होता है। तो गाइस मुझे लगता है वो तो मेरी जो फ्रेंड थी यूएसए की जो फ्रेंड है, मैंने आप सबको बता भी रखा है, वो फाइनेंशियली भी मेरी काफी मतलब जो हेल्प करती रहती है, वो उनके उनको मैंने बताया था कि मेरी जो गौरी की जो ऐसी ऐसी दिक्कत है, उन्होंने पिक मांगी थी उसकी, फिर मुझे फिर मैंने उनको पिक शेयर किया था। मैं आप सबको ये पिक शेयर करती थी, बट ये है कि आप सबको पता है कि मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकती, कॉपीराइट वगैरह के सिस्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं इस पर शेयर नहीं कर सकती। तो फिर मैंने उनको शेयर किया था, और वो जो है वो हॉस्पिटल की शायद वो नर्स वगैरह है, उन्होंने मुझे बताया था। तो वो उन्होंने अपने ही डॉक्टर वगैरह से पूछा था, तो उन डॉक्टर ने ही उनको बता दिया था कि ये जो हर्निया और इसका सीजन ही होगा, उन्होंने मुझे पहले ही कंफर्म कर दिया था। बट उन्होंने जब मुझे बोला ना, तो उसके बाद ही मैं थोड़ा सीरियस हुई और मैं हॉस्पिटल गई, और फिर जो है अब एम्स में सब कुछ जो है एम्स में होगा, देखते रहिए आगे क्या होता है। मैं आप सबको बताती रहूंगी कि मेरे साथ क्या क्या और कब कब कैसे कैसे चीज मैं फेस कर रही हूँ। अभी बाहर का मौसम इतना ठंडा होता है, सुबह सुबह हमें मतलब उठो 5 बजे उठ के फिर भागना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए, नहाना धोना उठना फिर हॉस्पिटल जाओ, रास्ते में इतनी ज्यादा ठंड। आज तो एक्सीडेंट भी हो गया था ना, किसी का सामने एक्सीडेंट क्या मतलब, वो ट्रक जो चढ़ा दी थी वो दिख नहीं रहा था आगे, कुछ कुछ नहीं दिख रहा था, वही सामने रेड लाइट है, किसी की लाइट जल रही है, गाड़ी खड़ी है, कुछ भी नहीं दिख रहा था। गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ऐसे गाड़ी चला रहे हो तो प्लीज ध्यान से चलाना, क्योंकि आज एक लेडी भी ठुकी गई थी, ऑलमोस्ट बस हुए है, उनको कुछ हुआ नहीं है। और जो एक ट्रैक्टर भी है उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे चढ़ा दिया, बिल्कुल मतलब हाईवे के उस पे जो कट जो होता है एक लेफ्ट और राइट स्ट्रेट कट दिखाता है, उस बीच में घुसा दिया। तो इसलिए आप सब ध्यान रखना गाइस, आराम से गाड़ी चलाया करो। वो कट नहीं था, एक तरफ जा रहा था एम्स की तरफ, दूसरा जा रहा था मेहरौली की तरफ, तो वो बीच में जो कटता उसी में चढ़ा दिया उसने, तो इतना कह रहे उसी में चढ़ा दिया। इसको देखो कहां चढ़ रहा है,